हे एवरी वन वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूँ आपकी एजुकेटर ज्योति सो ये वीडियो है रिगार्डिंग द इशू रिजॉल्व जो इशू हो रहा था बी एस सी फिफ्टी फाइव परसेंट का कि अगर आपके बी एस सी में फिफ्टी फाइव परसेंट नहीं है लेकिन एमएससी में फिफ्टी फाइव परसेंट से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो ये इशू रिजॉल्व कर दिया गया है काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैम ये इशू रिजॉल्व हो गया है तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अपने फॉर्म को उन्होंने होल्ड पे रखा था अब एक बार जो है आप दोबारा से ट्राई कीजिए क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मेल में भी यही इन्फॉर्म किया था कि वो आ, मतलब कुछ देर में जो है सुबह में भी काफी बच्चों को मेल भी रहता है कि कुछ देर में मेनली टिल इवनिंग ऑल्सो जो है वो इस इशू को रिजोल्व कर देंगे तो मोस्ट प्रोबली ये इशू रिजोल्व हो गया है अब एक बार आप फॉर्म को फिलअप करके देखिए फॉर्म फिलअप हो रहा है या नहीं एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सक्सेसफुली आप रजिस्टर uh, कर पा रहे हैं या नहीं ठीक है तो फाइनली uh, जैसे कि uh, कहते हैं ना मास्क में अगर कोई काम करो तो वो ऑब्वियसली एक रिजल्ट शो करता है तो होपफुली आप आप सभी की जो है जो कोशिशें थी वो रंग लेकर आई और फाइनली ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा था मेनली जो uh, इन्होंने एल्गोरिदम सेट किया था वही गलत था इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो गलत नहीं था इन्होंने फॉर्म में ठीक ठाक मेंशन किया है एलिजिबिलिटी लेकिन जो फॉर्म भरने का एल्गोरिदम था उसमें सब सिर्फ गड़बड़ था तो होपफुली वो करेक्ट हो गया है तो अब जो है आप सभी के सभी फॉर्म फिलअप करना शुरू कर सकते हैं अगर आपका बी में फिफ्टी से कम है लेकिन एमएससी में फिफ्टी से ज्यादा है तो आप आ, लाइक इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 55 परसेंट है तो और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं अभी तक आपने एमएससी में एनरोलमेंट नहीं लिया है एमएससी में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो बीएससी के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे उस केस में आपको 55 परसेंट की जरूरत है क्योंकि इस केस में आपका बी एस सी का डिग्री हाइएस्ट डिग्री कंसिडर किया जाएगा तो मैं उम्मीद करती हूँ अब सारी सारी इशू रिजोल्व हो चुके हैं तो फॉर्म फटाफट से भरिए और उसके बाद जो है अपनी प्रिपरेशन फिर से वापस से पुराने स्पीड में लेकर आइए and all the best. Thank you so much.